हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। मैं हूँ ठीक, और क्या है आपके समाचार? आशा करता हूँ आप भी होंगे ठीक। मैं आज जा रहा हूँ घर। मैं आ गया था कल घर से रक्सौल, और फिर यहाँ से फिर आज जा रहा हूँ घर, क्योंकि एक काम था घर पे, वो छूटा हुआ था, तो आज ही होगा, इसके लिए घर जाना पड़ रहा है। और आ गया हूँ मैं अपने ट्रेन में, देख रहा हूँ कोई अच्छी सी सीट देख के बैठ जाऊँ। मैं इस रात में जा रहा हूँ, वो मेरे पापा की मामी थी, उनका डेथ हो गया, तो आज 14 दिन, 13-14 दिन हो गया। तो हमारे तरफ होता ये है कि गया 10 दिन होने के बाद लोग गया जाके और पिंडदान वगैरह कर लेता है, और जो भी आस पड़ोस के लोग हैं तो उनको बुलाते हैं यही भोज वगैरह, श्राद्ध भोज वगैरह के लिए, और उसी में जाना है। अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो नहीं जाता, अगर आया हूँ तो जाना पड़ेगा, तो वहीं जा रहा हूँ। और आप लोगों को भी घुमाऊँगा कि वहाँ कैसा कल्चर है। मेरे गांव के 6-7 किलोमीटर बगल में ही है, तो वहीं जा रहा हूँ। तो देखिए रास्ते में क्या क्या हो रहा है। तो मैं आ गया हूँ अपने पिपरा स्टेशन पे, यानी मेरे गांव वाले स्टेशन पे, और मैं पहले जाऊँगा घर, फिर वहाँ से जाऊँगा उनके घर, पापा के मामा के घर। तो मैं उनको, मतलब पापा के भैया लगेंगे वो, तो मैं बड़े पापा ही कहता हूँ उनको, तो उनके पास पहले बाद में जाऊँगा, पहले घर जाऊँगा, फिर घर से जाऊँगा वहाँ। इतना ना सफ़र हो रहा है, मैं 4-5 दिन से ट्रेन का सफ़र करते करते सर पागल हो गया। ट्रेन में पहले तो वहाँ से दिल्ली से पटना आया, फिर पटना से चल ही रहा है सफ़र, और फिर आज आया हूँ घर, पर फिर कल जाना है वहाँ बीरगंज, और वहाँ से फिर दीपावली को आऊँगा यहाँ घर पे। घर पे आके घर साफ वगैरह भी करना है, चाबी भेज रहे हैं पापा को, देंगे तो वो लेके आएगा, तो घर भी जाऊंगा, फिर आऊंगा घर। दोस्तों मैं अब आ गया हूँ जहिंगड़ा गांव पे। ये जहिंगड़ा गांव, ये जो स्कूल आप देख रहे हैं सरकारी, इसी में मैं 9th और 10th मेरा इसी में हुआ है कंप्लीट। ये चुप्पे। और 11th 12th मैंने उधर से किया था, पिपरा ही से ही किया था, लेकिन वो दूसरा कॉलेज था एक। और मैं जा रहा हूँ, देखिए कोई गाड़ी तो मिल नहीं रहा, तो मैं गाँव के अंदर के रास्ते से जाऊँगा। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। दोस्तों कुछ मिला नहीं, कोई भी साइकिल वगैरह गांव का, चाह कोई भी ये बाइक, तो पैदल ही जाना पड़ेगा घर। मैं अब चुना हूँ ये छोटा सा रास्ता जो गांव के बीच से जाता है, मतलब गांव नहीं है, आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि खेतों के बीच से जाता है रास्ता। अब देखिए कहीं में भी पानी लगा होगा शायद,
क्योंकि सावन भादों में पानी लग जाता है, तो भी देखिए पानी लगा है या क्या है। और फिर उसके बाद घर जाऊंगा, घर जाने के बाद ये नहा के कपड़े वहाँ से लेके आया हूँ। सुबह नहाया नहीं क्योंकि सुबह तबीयत थोड़ी मेरी सही नहीं लग रही थी, अगर नहा लेता तो और तबीयत ख़राब हो जाती। तो मैं जाऊंगा वहाँ और वहाँ से नहा के और तब जाऊंगा वहाँ जहाँ जाना था मुझे। पैदल तो चलना पड़ रहा है, बहुत चलते चलते पैर दर्द कर रहे हैं, फिर भी पैदल ही मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादा चलना, क्योंकि पैदल मुझे सही लगता है चलना, दूसरों का पता नहीं। यही है वो खेतों के बीच वाला रास्ता, यहाँ से ऐसे अभी राइट जाना होगा। पहले जब हम लोग बचपन में जब जाते थे वहाँ नेपाल रहा करते थे, तो वहाँ से जब यहाँ आए पढ़ने, तो मतलब पूरा मेरा फैमिली ही शिफ्ट हुआ। पहले मैं वहीं रहता था, फिर वहाँ से यहाँ आए। तो यहाँ जब हम लोग जाते थे पढ़ने, स्कूल जो थे वो यहाँ मार्केट वगैरह में थे और हम गांव में थे, तो यही रास्ते से जाया करते थे। ये रास्ता छोटा है, ज़्यादा शाम के टाइम में सेफ़ नहीं है क्योंकि जंगली सुअर वगैरह आते हैं, तो बच्चे मतलब एज अ बच्चों के लिए उतना सेफ़ नहीं है, या हमारे लिए भी सेफ़ नहीं है क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ है। ये देखिए रास्ते सारे उबड़ खाबड़ है, सारे में पानी लगे होंगे पहले, तो अभी पानी सूख गया है। इस साल बारिश हुई नहीं है ना, तो पानी उतना लगा नहीं है, नहीं तो इस रास्ते में पानी लगा रहता था। तो पैदल तो चल ही जाते जैसे तैसे करके, साइकिल वगैरह चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। वीडियोस तो बहुत बंदे देखते हैं बट कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, यार प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना पसंद करता हूँ, आप सपोर्ट करोगे तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो कुछ चैनल मोनेटाइज हो जाए, समझ सकते हो आप भी, तो कुछ हमारा भी मन करे वीडियोस बनाने का। तो कर दो यार सब्सक्राइब, नए हो तो देख लो, अगर सब्सक्राइब करना हो, अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर भी कम से कम कर दो। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वीडियो को प्ले करके छोड़ दो, ऐसे ही मत देखो, कम से कम वॉच टाइम और व्यूज़ तो मेरा होगा और उससे मेरा वीडियो तो थोड़ा ग्रो होगा। यही था कहने को, अब चलते हैं घर पे। और यही है जो बोलते हैं बंदे कि मैं गांव का हूँ, तो यही है भैया असली गांव के रास्ते, पहले इसी में आया जाया करते थे हम। अब तो वो मेन रोड चालू हो गया है तो यहाँ से कोई आता नहीं है, तो ये रास्ते देखिए अभी पूरा उबड़ खाबड़ है, नहीं तो ये पूरा ये घास उतना नहीं रहता, ये लोग धान काटे हुए हैं, धान काट के छोड़े हैं। इस साल धान की खेती अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी हुई है, बारिश नहीं हुई है, तो बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। नहीं तो ज़्यादा होने से ये होता है कि ये सारे धान मतलब पानी में डूब जाते हैं, और धान का क्या है कि अगर वो ऊपर तक पानी में डूब गया, अगर जैसे आप ही हो कोई बंदा है, अगर वो सांस नहीं ले पाएगा तो मर ही जाएगा, तो धान का भी वही हाल रहता है। अगर देखिए यहाँ तक अगर कोई पानी में डूब गया ये पूरा यहाँ तक, तो वो धान सड़ जाता है, उसके बाद उसका मतलब वो मर जाता है। तो ऐसे ही होता है, लोग जब धान रोपते हैं तो उस टाइम में वही पानी अगर ज़्यादा हो गया तो ऊपर तक पानी हो जाता है, तो वो धान मर जाता है। और अब पानी हो गया तो धूप निकलता है, तो धूप से धान वगैरह हैं तो वो भी ये हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इस साल जो धान रोपा था तो उसका तो फसल अच्छा हुआ है। अभी तक पानी कुछ लगा था तो ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर की वजह से कीचड़ हो गया पूरा।
अब इसमें कोई साइकिल कैसे, इतना पतला में साइकिल हम तो चला लेंगे लेकिन कोई दूसरे बंदे नहीं आ पाते हैं चलाने, तो इसके वजह से ये रास्ता ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो प्रिफर नहीं करते हैं अभी के बंदे। मुझे तो मजबूरी है, मुझे जाना है, तो वो रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता छोटा है, और बहुत दिन भी हो गए थे इधर आए हुए। ये देखिए ईंख है, ये वो देखिए मेरे बड़े पापा का बैलगाड़ी है, वो धान वगैरह ले जा रहे हैं दौनी कराने के लिए। ये सारे खेतों में से बोझा लेके और यहाँ इस पे रखेंगे हम लोग इसे, आप लोग बैलगाड़ी बोलते हैं, हम लोग इधर टायर बोलते हैं इसको, टायर। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। ये जो पेड़ है वो पाकड़ का पेड़ हम लोग बोलते हैं इधर, गया रहता अभी तो फिसलन थी। तो ये पेड़ की कहानी ये है कि हम जब बचपन में आते थे ये में समर सीज़न में क्या होता था कि स्कूल्स जो होते थे वो सुबह होते थे, तो हम लोग 10 बजे 11 बजे जब आते थे स्कूल से, तो एक बार ये हमारा स्टॉपेज हुआ करता था, यहाँ एक बार रुकेंगे फिर घर पर रुकेंगे, क्योंकि धूप बहुत होती थी और कहीं ना कहीं तो रुकने को चाहिए। और ये एक पेड़ है जो इस रास्ते में इकलौता पेड़ यही है, उसके बाद आगे गांव आ जाता है, तो हमारा मतलब जो घर है वो स्टार्टिंग में ही है, गांव के स्टार्टिंग में ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है, तो हम घर चले जाते थे। यहाँ लोग बैठ के ईख खाते हैं, गन्ने खाते हैं सारे। आप लोग भी बोलिए कि कितना बड़बड़ाता है ये, लेकिन गांव में आने के बाद बचपन की यादें कुछ ताज़ा हो जाती है, तो सोचा कि आपको भी सुना दूँ, कहीं आप भी रिलेट कर ले। अगर कोई रिलेट कर रहा है अपने गांव से तो कमेंट करें कि हाँ हमारा भी गांव ऐसा ही है। हम लोग इस एरिया को चवर बोलते हैं, मतलब कि ये ऐसा एरिया होता है कि जहाँ 7-8 बजे के बाद कोई आता नहीं है। ये एरिया मतलब खेतों के बीच से रास्ता निकला हुआ है, तो ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के लिए लोग रास्ता ये बना के रखते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह जाने के लिए कुछ रास्ता हो। अब किसी के फसल बर्बाद करके तो आप नहीं जाओगे ना, तो इसको वही चवर बोलते हैं। और पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, और यही है, कुछ यादें ताज़ा हो गई तो आप लोगों को सुना दिया मैंने। यही है वो बोझ है जिनको वो लेके जा रहे थे, ऐसे ही मतलब धान काट कर ऐसे ही बोझा बना लिया जाता है और इसको ले जाने में आसानी होता है। वो ऐसे ही यहाँ जैसे ढेर लगा के रखे हैं वैसे ही ढेर लगा के रखेंगे, और किसी ट्रैक्टर वाले को बुला के और थ्रेसर को बुला के इसको दबा देंगे, तो उसमें ये जो प्रक्रिया होती है इसमें धान अलग हो जाता है और वो जो पुआल है ये पुआल अलग हो जाएगा और धान अलग हो जाएगा, तो वो धान जो है वो बेच लेंगे आगे किसान। ये जो हरा आप देख रहे हैं धान, अभी ये मेरा खेत है, एक ये है, एक इसके आप पीछे भी है एक और। ये देखिए कोई पानी बटा रहा था, ये पाइप मुड़ गया है और देखिए इसके वजह से वहाँ पानी निकल गया, पाइप का यहाँ जॉइंट रहता है वो जॉइंट खुल गया इधर, ये पानी बर्बाद हो रहा है यहाँ। जी इसको ठीक करने के लिए बोलना होगा। उन्हें पाइपों को निकाल गल बाबा साहब, मोतिहारी गए ले रहा। हाँ कल काम रहा मोतिहारी वो। यहीं से वो पानी जा रहा था, उन्होंने ऑफ करके वो वहाँ जा गए, वो जॉइंट कंप्लीट करके फिर यहाँ से चालू करेंगे। पहले ऐसे मशीन हुआ करते थे हमारे गांव में, लाइट तो इधर 5 साल पहले आया, तो लाइट के लिए ये एक मोटर फिट हो गया और ये देखिए तार, इससे फिर वो मोटर चालू कर देंगे और फिर वो पानी वहाँ जाने लगेगा। फसलों में पानी देना भी यहाँ एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। हाँ हमारा छठ गांव का यहीं होता है, इसी ये पे पोखरे पे, ये बांस वगैरह ला के रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ टेंट वगैरह तनेगा, छठ का टाइम आ गया है तो टेंट वगैरह तनेगा, या सारा घास साफ़ होगा, अभी साफ़ किए नहीं है,
कुछ दिन के बाद साफ करेंगे, मतलब छठ के दो दिन पहले साफ करेंगे, और तब उसके बाद ये सारा घास साफ हो जाता है। गांव के ही जितने भी लड़के हैं सारे मिलके साफ करते हैं। लो दोस्तों, आ गया मैं अब गाँव में, जा रहा हूँ ग्वास पे बड़े पापा के घर, वहीं नहा के और जाऊँगा वहाँ। 3 hours later दोस्तों, तो मैं तैयार होकर अब जा रहा हूँ वहीं जहाँ जाना था मुझे, वो बंजरिया गांव बोला जाता है उस गांव का नाम, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। और ये देखिए, साइकिल से जा रहा हूँ, आज बहुत दिनों बाद साइकिल चलाने का मौका मिला है, साइकिल से ही जाऊँगा क्योंकि बाइक वगैरह है नहीं कोई अभी घर पे। और मैं बताऊँ तो मुझे बाइक चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी आती है, बाइक चलानी नहीं आती। मैं ऐसे 4-wheeler वगैरह चला लेता हूँ बट बाइक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बाइक अलाउड नहीं है, मेरे पापा अलाउ नहीं करते, बोलते हैं कहीं जाना हो कार से जाओ, बाइक मेरे वो बोलते हैं सेफ नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे घर पे बाइक अभी तक आई नहीं और ना मुझे आती है। तो जा रहा हूँ बंजरिया और वही मिलता हूँ आपसे, क्योंकि साइकिल वगैरह एक हाथ से चला रहा हूँ तो थोड़ा सा अनसेफ हो जाएगा वहाँ भीड़ भाड़ में, यहाँ तो ठीक है। मिलते हैं तो बंजरिया। दोस्तों, तो मुझे काम था ऐसे सेंट्रल बैंक में पिपरा का, मेरा खाता वगैरह भी ब्लॉक कर दिए थे, पता नहीं क्यों गया हूँ, तो वो चालू करवाया हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो गया था ना उस दिन खाता की वजह से पटना, तो इसके वजह से वो खाता चालू करवाया हूँ और हो गया चालू, अब वहीं था इसलिए मैं रुका हुआ था। साइकिल एक गाँव वाले चाचा की दुकान पर ही लगाया हूँ और वहाँ से फिर अब जाऊँगा वहाँ बंजरिया। दोस्तों, ये झील है, झील बोल ही सकते हो क्योंकि यहाँ पानी लगा ही रहता हर टाइम, इस साल तो बारिश कम हुई तो पानी कम है, नहीं तो हर टाइम पानी लगा रहता है। ये देखिए, ये चिमनी है, कहीं कहीं ईंटे की भट्टी बोली जाती है, इधर यहाँ से ईंटे बिकते हैं, ये पहले ईंटे को थोपा जाएगा फिर उसको हीट करके पकाया जाता है, तब वो हम आप सबके घरों में लगते हैं, सारी ईंटें ही हैं। इसी के बगल से मुझे जाना है। पूजा की तैयारी हो रही है।
कार्यक्रम अब चालू हुआ था, जिसका कार्यक्रम यही मेन होता है। जल्दी आना, चप्पल निकल है तो आ गए भैया। हाय 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 कर हाय हाय चले में तो एक मिनट हो गए, एक मिनट तीन सेकंड चार। The next day. यही वो ईटा थोपा जा रहा है जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था। दोस्तों तो यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट, श्राद्ध हो गया कंप्लीट। मुझे वहाँ वो न्योता लिखने के लिए रख दिया गया था। हमारे तरफ न्योता लिखा जाता है जब किसी किसी तरफ उसे शगुन बोला जाता है, तो हमारे तरफ वो लिखा जाता है। क्योंकि अगर जो जिसका फंक्शन है, जो भी हो, चाहे शादी हो या शादी हो, तो वो अगर शगुन वो लिख के रखा रहता है तो वही शगुन वो अगले वाले के शादी या फंक्शन में करता है। तो मुझे वही ड्यूटी दे दिया गया था, तो मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाया। उसमें थोड़ा सा भीड़ होता है, लोग सब आते हैं, तो उसको उनको उनके पैसे और उनका घर और उनका नाम लिखना रहता है। मैं अब जा रहा हूँ घर, और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। With the